बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ योर ऑनलाइन क्लास फॉर समर वेकेशन होमवर्क। एंड टुडे इज लेक्चर नंबर इज 10 एंड डेट इज 22 जून 2020। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 6 लेसन नंबर 3। आज हम लोग यूनिट नंबर 6 और लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं लेसन नंबर 3 के। डिक्टेशन वर्ड्स को आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से याद करना है, इसको अंडरलाइन करना है अपनी बुक्स पे, और इसको साथ में आपने अपनी कॉपी पे जबानी लिखना है हेडिंग्स देके। तो सबसे पहले हम वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी या फिर गैर। थिंक, थिंक का मतलब होता है सोच या सोचना। फिनिश, फिनिश मतलब ख़त्म करना। हीटर्स, हीटर्स मीन्स गर्म हवा देने वाली चीज़, या फिर जो आप नॉर्मली हीटर का वर्ड यूज़ करते हैं गर्म करने वाला। एलियन, एलियन मीन्स खलाई मखलूक। आपने इनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं और इनकी प्रोनंसिएशन भी आपने करनी है। उसके बाद है आपके पास लेसन नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग्स। सबसे पहला वर्ड है आपके पास हिल। हिल का मतलब होता है हाई ग्राउंड, पहाड़। ट्रैवल, ट्रैवल मीन्स टू पास बाय, सफ़र। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स फॉरनर, अजनबी। ये आपने वर्ड्स मीनिंग्स अपनी कॉपीज में राइट डाउन करने हैं और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद है आपका इंग्लिश बी का वर्क। इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। आंसर्स आपके पास नोट्स पे गिवन है। चैप्टर नंबर 6 है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल का आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि सिंगुलर किसी एक चीज़ को कहते हैं, प्लूरल ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। तो जब आप सिंगुलर प्लूरल को लेट्स सपोज के जब आपने किसी वन थिंग के लिए वन चीज़ को मेंशन करना होता है, एक चीज़ का नाम लेना होता है, तो आप उसको सिंगुलर वर्ड में यूज़ करते हैं। जबकि आपने अगर उसी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्क्राइब करना है तो आप उसको फिर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। आंसर्स आपके नोट्स पे गिवन है, वहाँ से आपने अपनी बुक्स के ऊपर राइट डाउन कर लेना है और इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है।